नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज चैप्टर को खत्म कर दिया था, मतलब फिनिश किया था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एज रिलेशन। ठीक है, एज रिलेशन में अपन चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़े। एज रिलेशन के क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला होता है ना ट्रिक, अपन को डायरेक्ट उनमें रिलेशन बनाएंगे, फिर अपन उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दिया, एक ए है और एक बी, वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दिया, तो जो वर्तमान आयु का योग दिया अपन को, अपन को पता करना है ए और बी में संबंध क्या है। क्या कह रहे हो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, ये कुछ से बड़ा है, बी से 4 वर्ष बड़ा है, लेकिन अपन को बी नहीं पता कितने का है। मान लीजिए अपन बी एक्स वर्ष का है, ठीक है, वर्तमान आयु इनकी पता चल जाएगी, तो अपन वर्तमान आयु अपन ने मान ली बी की एक्स है, तो वो क्या कह रहा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए कितना हो जाएगा, बी से 4 वर्ष बड़ा, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अपन को ना ये पता था ना, अभी अपन ने बी माना एक्स वर्ष है, तो ए कितना हो गया, बी से 4 वर्ष बड़ा, एक्स प्लस 4। ए की वर्तमान आयु अपन को ज्ञात करनी है, उनने ऊपर संबंध दिया था क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष, ए की वर्तमान पता अपन को, बी की दोनों का योग कितना हो जाएगा, 22 के बराबर, बराबर 22। सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 22 माइनस 4, 2x बराबर 22 माइनस 4 माइनस होंगे 18, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को यहाँ से, 9, x का मान आ गया 9। x अपन ने किसकी मानी थी, बी की, अपन को निकालनी पड़ किसकी है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मानी है, ए बराबर एक्स प्लस 4, एक्स का मान 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, ए की वर्तमान आयु मिल गई अपन को 13 वर्ष। अगर बी की पूछते तो कितनी हो जाती अपने, बी की हो जाती 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलते पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। कौन कौन है, रमेश और गणेश, ठीक है, क्या क्या उनकी मिलकर आयु समय क्या, 28 वर्ष, मतलब इस समय का मतलब वर्तमान में उनकी टोटल आयु कितनी है, दोनों की 28 वर्ष है, लेकिन यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, अपन वर्तमान आयु में संबंध निकालेंगे दोनों, क्या है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश छोटा है किससे, रमेश से, अपन ने मान ली रमेश की आयु है एक्स वर्ष, तो गणेश क्या है, 6 वर्ष छोटा है, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 6, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा था, हमने संबंध दिया था अपन को, अपन ने अपने मन से मान लिया रमेश एक्स वर्ष का है, तो गणेश कितना हो जाएगा, 6 वर्ष छोटा, मतलब 6 वर्ष कम कर देंगे, तो एक्स माइनस 6। अब क्या दे रहे, दोनों का योग कितना दिया उनने, 28 वर्ष, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस का जाएगा प्लस 6, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 28 6 34, यहां से x की वैल्यू मिलेगी अपन को 17। किसका मान पूछा उन्होंने, तो गणेश की आयु कितनी है, x का मान है 17, मतलब रमेश की आयु आ गई 17 वर्ष, तो गणेश की कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 मतलब 17 माइनस 6 कितनी बचेगी, 11 वर्ष। ठीक है, रमेश की पूछते 17 वर्ष और गणेश की हो जाएगी 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की 2 आयु ज्ञात करनी है। पर अभी अपन ने क्या किया, युग दिया था 2 लोगों की आयु का, अपन अब क्या देंगे, अपन को क्वेश्चन में अंतर अपन कैसे सोल्व करेंगे, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, कौन कौन है, मोनी और सोनी, पहले अपन वर्तमान आयु में संबंध निकालेंगे। क्या कह रहे हो, मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, देखो कैसे मानते हैं इसको, मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, सोनी की मान ली एक्स, तो मोनी कितनी हो जाएगी, 2/3 मतलब 2x/3, या फिर अपन इस तरीके से भी मान सकते, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, तो यहाँ दिया अपन को 2/3, तो अपन सोनी की आयु कितनी मान लेते, जो नीचे है हर में है जो भी संख्या उसी को अपन मान लेंगे सोनी की आयु 3x, ऊपर क्या हो जाएगी, तो इसकी मोनी की हो जाएगी अपनी 2x, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मोनी की आयु 2x/3 और सोनी की एक्स हो गई, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर दिया, माइनस करो एक्स माइनस 2x/3, सोनी और मोनी की आयु में अंतर बराबर कितना दिया इन्होंने, 7, सॉल्व करेंगे 3 आएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x-2x/7, तो यहां से एक्स की वैल्यू पर क्या मिल जाएगी,
थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स और सात तीया इक्कीस, एक्स की वैल्यू मिलेगी अपन को इक्कीस। तो सोने की आयु ज्ञात कीजिए, सोने की कितनी थी एक्स, तो सोने की आयु कितनी हो जाएगी, सोने बराबर इक्कीस बार। अगर अपन पूछते मोने की आयु कितनी है तो अपन मोने की भी निकाल सकते थे, कितनी है टू अपॉन थ्री एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू ट्वेंटी वन, तीस आते इक्कीस और सात दो चौदह वर्ष, मोने की आयु हो जाती है अपनी चौदह वर्ष। कैसे किया, सोने मोने की वर्तमान है सात वर्ष का अंतर है, तो अपन को पहले दोनों की आयु पता करनी है वर्तमान। अपन ने मान ली सोने की आयु एक्स, क्योंकि मोने की आयु सोने की दो बजे तीन है, तो अपन ने सोने की एक्स मानी तो मोने कितनी हो जाएगी टू एक्स अपॉन थ्री, दोनों का अंतर दिया सात, तो दोनों का अंतर करेंगे बराबर सात के, सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली इक्कीस, सोने की आयु कितनी हो जाएगी इक्कीस, और मोने की में वैल्यू रख देगी एक्स की, तो मोने की आयु अपन को मिल जाएगी चौदह वर्ष। देखते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन, टीना और मीना की वर्तमान आयु में पांच वर्ष का अंतर है, यदि मीना की आयु टीना की आयु की तीन बटे चार हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, टीना और मीना की वर्तमान आयु अंतर पांच वर्ष, यदि मीना की आयु टीना की आयु की तीन बचे चार हो, टीना की आयु की तीन बचे चार, तो अपन टीना की मान लेंगे एक्स, तो मीना की कितनी हो जाएगी टीना की आयु की तीन बचे चार, टीना की आयु की तीन बचे चार, टीना और मीना के अपन को वर्तमान आयु पता चल गई। ठीक है, अब इनका अपन को अंतर कितना दिया पांच, तो इनको माइनस करेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर बराबर पांच, सॉल्व करेंगे चार एलसीएम हो जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स बराबर फाइव। अब इसको सोल्व करें फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स और चार पंचे बीस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी बीस। तो उन्होंने टीना की आयु ज्ञात करने के लिए कहा, टीना की आयु कितनी हो जाएगी अपनी बीस वर्ष, और अपन से मीना की पूछते तो मीना की कितनी हो जाती थ्री अपॉन फोर इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है बीस, चार पंचे बीस, पांच दिया पंद्रह वर्ष, तो मीना की आयु हो जाती अपनी पंद्रह वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग अठारह वर्ष था, जबकि तीन वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर दो वर्ष हो जाएगा, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। पहले अपन ने योग वाले किए, दो लोगों की आयु का योग दिया था, फिर अंतर वाले, अब इनमें क्या रहेगा दोनों कम्बाइन आएंगे, योग भी दिया रहेगा और अंतर भी दिया रहेगा, तो अपन सॉल्व करते हैं। दो बच्चों की दो वर्ष पूर्व आयु का योग दिया अठारह वर्ष, पहले अपन मान लेंगे एक ए है एक बी, सबसे पहले अपन को वर्तमान आयु मान ली है। ठीक है, वर्तमान आयु संबंध कुछ दिया नहीं है वर्तमान आयु, तो ए की मान लेंगे अपन एक्स, बी की मान लेंगे अपन वाई। ठीक है, अब वो कह रहे दो वर्ष पूर्व, तो अपन को दो वर्ष पूर्व जाना है, अब दो वर्ष पूर्व क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, क्वेश्चन जो कहेगा अपन को बिल्कुल वैसे कहेगा, दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग अठारह वर्ष दिया, लेकिन दो वर्ष पूर्व की पहले आयु तो पता होनी चाहिए अपन को, दो वर्ष पूर्व की आयु क्या रहेगी दो वर्ष पहले जाना, वर्तमान से दो वर्ष पूर्व जाओगे तो क्या करोगे दो वर्ष को अपन माइनस करेंगे, पूर्व मतलब माइनस करना है, दो वर्ष पूर्व ए की आयु हो जाएगी एक्स माइनस टू, बी की हो जाएगी वाई माइनस टू, क्या कह रहे हैं उनकी आयु का योग अठारह वर्ष दिया अपन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस वाई, योग दिया तो प्लस, एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस टू बराबर अठारह वर्ष। ठीक है, क्या करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा प्लस फोर, अठारह प्लस चार बराबर कितना हो जाएगा बाईस, इसको इक्वेशन अपन फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, दो वर्ष पूर्व हो गई एक्स माइनस टू वाई माइनस टू, उनकी आयु का योग कितना दिया था अपन को अठारह वर्ष, तो एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस टू बराबर अठारह, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या गया अपना बाईस, इक्वेशन फर्स्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, जबकि तीन वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर दो वर्ष का है, अपन तीन वर्ष बाद निकालेंगे, तीन वर्ष बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, तो वर्तमान से ही जाते हैं अपन पूर्व में और वर्तमान से अपन पहले, वर्तमान थी इसकी एक्स, तीन वर्ष बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस थ्री, और बी की कितनी हो जाएगी वाई प्लस थ्री। अब क्या करें उनकी आयु में अंतर दो वर्ष का है, अंतर के लिए क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस वाई माइनस थ्री बराबर टू, माइनस का गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स माइनस वाई बराबर टू, इक्वेशन सेकेंड आ गई। एक और दो से अपन सोल्व करेंगे, समीकरण क्या है एक्स प्लस वाई बराबर बाईस, तो वाई से वाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स, बाईस और दो चौबीस, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन को बारह, एक्स की वैल्यू आ गई बारह, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करना, अपन को एक्स समान हो गया बाईस और निकालते हैं, पर कैसे समीकरण इसी एक में रख देंगे, समीकरण दो में रखते हैं, समीकरण दो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर दो, एक्स की वैल्यू बारह माइनस वाई बराबर दो,
वाई बराबर यहाँ से क्या आएगा दस, इसकी आयु ज्यादा है, एक्स बराबर 12 है, वाई बराबर 10, तो बड़ा बच्चा कौन हो गया ए, ए की आयु कितनी है बड़े बच्चे की आयु, आयु बराबर हो जाएगी ए बराबर 12, ए की है 12। ठीक है दोस्तों, कैसे किया, दो वर्ष पूर्व बच्चों की आयु एक दिया था, तीन वर्ष बाद दिया था अंतर। ठीक है, अपन ने मान ली वर्तमान आयु ए की एक्स बी की बाय, दो वर्ष पूर्व है तो दो माइनस कर देंगे, दो एक्स माइनस टू बाई माइनस टू, उनका योग दिया तो एक किया एक्स माइनस टू प्लस बाई माइनस टू बराबर 18, यहाँ से एक्स प्लस बाई बराबर मिला अपन को 22। इक्वेशन फर्स्ट, तीन वर्ष बाद कहा उन्होंने एक्स, तो अपन जाएंगे तीन वर्ष बाद एक्स प्लस थ्री बाई प्लस थ्री, दोनों का अंतर दिया एक्स प्लस थ्री माइनस का अंतर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स माइनस बाई बराबर टू, इक्वेशन टू, समीकरण एक और दो को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई अपनी 12, वाई की 10। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, एक रहीम है और एक करीम, इनकी वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, पर अपन को बता नहीं वर्तमान आयु क्या है, तो अपन वर्तमान आयु इनको पहले मानेंगे। मान लिया रहीम की वर्तमान आयु एक्स है और करीम की कितनी है वाई है, तो इनका योग कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 65, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, 10 वर्ष पहले, तो अपन को 10 वर्ष पहले कहता 10 वर्ष पूर्व बोला, 10 वर्ष पहले, पहले के लिए क्या करते हैं वर्तमान से ही पहले जाते हैं, वर्तमान से ही बात, तो 10 माइनस करेंगे एक्स माइनस 10 और वाई माइनस 10। अब वो क्या कहें, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु 5 वर्ष का अंतर था, अंतर निकालेंगे एक्स माइनस 10, अंतर का मतलब बीच में दोनों को माइनस लगाना है, माइनस का अंतर करेंगे तो माइनस बाई माइनस माइनस प्लस 10 बराबर कितना है 5 दिया है, 10 से 10 कैंसिल तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना आ गया 5, समीकरण दो। समीकरण एक और दो को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस बाई बराबर 65, बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को 35, एक्स की वैल्यू अपन को 35। उन्होंने पूछा क्या, करीम की आयु ज्ञात कीजिए, करीम क्या है वाई, करीम की आयु लेके एक्स की वैल्यू समीकरण एक या दो में अपन रख देंगे, समीकरण एक में रखते हैं x प्लस वाई बराबर 65, x की वैल्यू 35 प्लस वाई बराबर 65, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को 30, मतलब करीम की आयु, करीम की आयु मिलेगी अपन को 30। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, दो वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, ए की वर्तमान आयु कितनी है, अपन को निकालना है। अभी तक अपन को योग अंतर वगैरह दे रहे थे कि इतने इससे छोटा है इतना बड़ा है, अब क्या है दो व्यक्ति रहेंगे उनकी आयु में अपन को रेशियो दिया रहेगा, उससे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया, वर्तमान आयु क्वेश्चन सब में अपन को वर्तमान आयु से स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया, ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 का अनुपात है, तो ए की क्या हो जाएगी 5x और बी की हो जाएगी 4x, जो रेशियो दिया उसी में x लगा देंगे, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात, ए की आयु 5x और बी की 4x है, दो वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात, दो वर्ष पूर्व की अपन आयु तो पता होना चाहिए तभी तो अपन उसको रेशियो के बराबर रखेंगे, तो क्या करेंगे अपन दो वर्ष पूर्व जाएंगे, अब दो वर्ष पूर्व कैसे जाएंगे, वर्तमान आयु में से दो पर माइनस कर दें, इसकी आयु वर्तमान 5x, दो वर्ष पूर्व तो -2, बी की है 4x उसमें से भी -2, बट दो वर्ष पूर्व की आयु पर चलिए, अब इनका अनुपात क्या दिया अपन को 4:3, अनुपात में रखेंगे इनको 4x - 2 बराबर अनुपात कितना दिया अपन को 4/3, ये अपन ने फाइंड किया अनुपात, ये इनने पहले से दिया है, तो दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15x - 3 × 6, 4×16x - 4 × 8, 15x जाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस की, 8 जाएंगे कैसे हो जाएंगे प्लस की, 8 - 6 बराबर 16x - 15x, यहाँ से x की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी 2, x की वैल्यू आई अपन की 2, तो एक ही वर्तमान आयु पूछी उन्होंने, अपन ने एक ही वर्तमान आयु क्या मानी थी, एक ही वर्तमान आयु 5x, x की वैल्यू रखेंगे कितना आ गया 10, अगर b की पूछी होती तो कितनी हो जाएगी 4×8, एक ही वर्तमान आयु अपन को मिलेगी 10। से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, पिता और पुत्र, ठीक है वर्तमान आयु में रेशियो अपन को दिया है,
पिताजी पिता और पुत्र की वर्तमान 3:1 का अनुपात है, पिता की कितनी हो जाएगी 3x और पुत्र की x। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद मतलब क्या करेंगे, वर्तमान से 5 साल अपन को आगे जाना, क्या कर देते उसको एक्स 3x+5 और x प्लस फाइव। क्या कर 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात हमने अपन को दिया है, अपन क्या निकालेंगे अनुपात को 3x+5/x+5, जो अपन ने आयु निकाली उससे अनुपात आया 3x+5/x+5, उनने क्या दिया 7:3, तो 7 दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3×9x+5/15 7x+7=35। 7x जाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 9x-7x, 15 साइड जाएंगे माइनस के। ठीक है, 9x-7x 2x, 35-15 20, 220 करेंगे कितनी बार 10 बार, x की वैल्यू मिल गई अपन को 10। क्या कह रहे हैं वो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करनी है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात होती तो कैसे करते अपन माइनस कर देते, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछी, पहले 5 वर्ष पूर्व कैसे जाएंगे इसमें 3x थी वर्तमान, पूर्व के लिए 5 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 3×10-5, 10×3 -5 कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी अपन को निकाल देंगे। अपन को क्या देंगे, अभी रेशियो दिया था पिछले क्वेश्चन में, अब क्या देंगे अपन को, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु इतनी गुनी है, कुछ समय बाद इतनी गुनी हो जाती है, तो अपन को निकालना है फिर आंसर। ठीक है, कैसे करते, ए की ए और बी है, ए और बी, ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, वर्तमान में क्या है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो बी की मान लेंगे अपन x, तो ए की कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, अब 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या कह रहे थे, 8 वर्ष पहले की पहले आयु निकालो 2x-8 और इसकी x-8 पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो क्या पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, जी ए की आयु है और ये बी की आयु है, 8 वर्ष पहले जब देखा था तो ए की आयु क्या थी, बी की आयु की 4 गुनी थी, ये पहले से 4 गुनी थी, तो बराबर दोनों करने के लिए क्या करेंगे अपन, बी में 4 का गुणा कर देंगे बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएगी। क्या लिखा, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, जो 8 वर्ष पहले की ए की आयु है वो बी की आयु की 4 गुनी थी, तो अपन को बराबर करना दोनों को, तो बी को भी अपन 4 से गुणा कर दें तो दोनों पर ही बराबर आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं, 2x-8 = 4x-8^32, 2x इस साइड आएगी तो क्या बचेगा 4x-2x, 32 को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 32-8, 4x-2x तो 2x और 32 में से ऐड जाएंगे तो 24, x बराबर कितना बचेगा 12, x की वैल्यू आई अपनी यहाँ से 12, तो क्या कह रहा, तो 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद b की आयु, b की वर्तमान आयु कितनी है x, 8 वर्ष बाद जान तो क्या करेंगे 8 उसमें ऐड कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे 12+8, तो 8 वर्ष बाद b की आयु अपन को मिल जाएगी 20 वर्ष। कैसे किया, ए की आयु बी की आयु दूरी दी थी, बी के अपन ने मान लिया तो ए की हो जाएगी 2x। ठीक है, फिर वो क्या कहे, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ए की आयु निकाली 8 वर्ष पहले की 2x-8, बी की x-8, 2x-8 क्या है x-8 का 4 गुना पहले से है, तो x-8 में अपन 4 का गुना कर रहे दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2x-8 बराबर 4x-32। सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिल गई अपन को 12, 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछी, वर्तमान में x है मतलब 12 है, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x+8, x की वैल्यू 12 रखी, 12+8 20 अपन को मिल गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु अपन को निकाल दी, कौन कौन है इसमें रोहित है और मोहित है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे वो लोग। ठीक है, लेकिन क्या है अपन को वर्तमान आयु नहीं पता, पर पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, रोहित की वर्तमान आयु मान ली अपन ने x है, मोहित की
वाई हमेशा वर्तमान आयु से स्टार्ट करना पर 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 और ये वाई माइनस 10। अब वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ये रोहित की आयु है और ये मोहित की आयु, कौन किसके दुगना था, रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, ये दुगनी थी। और दोनों को बराबर करना तो अपन मोहित की आयु में 2 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस 10 बराबर 2y-20। 2y साइड आएंगे तो x माइनस 2y बराबर माइनस 20 प्लस 10। यहाँ से x माइनस 2y अपन क्या मिलेगा, माइनस 10। समीकरण 1 इसको अपन मान ले, क्या कहा था उन्होंने, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, रोहित की दुगनी थी तो इसको 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों की अपनी बराबर हो जाएगी, ठीक है, x माइनस 2y बराबर माइनस 10। वो फिर क्या कह रहे हैं, मोहित की यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, 10 वर्ष बाद क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी अपनी, किसकी दी हुई, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष, 10 वर्ष बाद मोहित की कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु वाई प्लस 10 और हमने कितनी दी अपन को 40, दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो वाई प्लस 10 बराबर 40। यहाँ से वाई की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, 30। वाई की वैल्यू मिलेगी अपन को 30। उन्होंने पूछी है रोहित की वर्तमान आयु, एक्स का मान पूछा उन्होंने, तो एक्स का मान वाई का मान रखेंगे समीकरण 1 में, एक्स माइनस 2 वाई का मान 30 बराबर माइनस 10। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 50। यहाँ से अपन को रोहित की वर्तमान आयु का मान पता चल गया, ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तथा अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।